अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक विद अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों एक बात ध्यान में रख लें कि ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको बताई जा रही है ये बिल्कुल नॉन ऑफिशियल है। ये किसी तरह से भी इसका जितना भी मटेरियल है या इंफॉर्मेशन है वो ऑफिशियली तौर पे आपको नहीं बताई जा रही, बल्कि ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग है। जो HRMS की इंस्ट्रक्शंस है उसको देखकर ये सारी वीडियो बनाई जा रही हैं। दोस्तों पिछली वीडियो में तो मैंने ये बताया था कि आपने कौन से फील्ड को कैसे फील करना है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं एक फॉर्म कम्प्लीट फिल करने जा रहा हूँ और इसको मैं आपको फिल करके बताऊंगा कि आपने कौन से फील्ड में जो है कैसे जो है वो एंट्री करनी है। एक बात जहन में रखनी है, आपने जो भी डाटा फीड करना है उससे पहले इंस्ट्रक्शंस को बहुत गौर से आपने देखना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव डाटा है और थोड़ी सी भी मिस्टेक आपके लिए बहुत ज्यादा ट्रबल क्रिएट कर सकती है। तो दोस्तों शुरू कर लेते हैं कि मैं आपको बताता हूं कि मैं किस तरह काम करने वाला हूं। भी मुश्किल नहीं होता, सिर्फ उसको करने के लिए आपकी अप्रोच डिपेंड करती है कि आपकी अप्रोच कैसी है। अगर आपकी अप्रोच अच्छी है तो आप उस काम को, मुश्किल काम को भी आसानी से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बताने वाला हूं कि मैंने फॉर्म की फीडिंग किस तरह करनी है, उसके लिए मैंने थोड़ी सी कुछ अरेंजमेंट किया है, वो मैं आपको अरेंजमेंट बता देता हूँ कि मैंने कैसे किया है। मैंने सबसे पहले एक फोल्डर जो है वो क्रिएट किया है, ये आप देख सकते हैं। मैंने एक फोल्डर जो है वो बनाया डाटा फाइल के नाम से, मैंने इसको सेव किया। इसके अंदर मैंने एक पासपोर्ट साइज पिक्चर जो है वो बने रखी हुई, मैट्रिक का सर्टिफिकेट है या उसका DMC है, उसके बाद FSC की जो मैंने सदर रखी हुई है, उसके बाद चूंकि ये BS क्वालिफिकेशन पर्सन की है जिसका मैं डाटा फीड कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने BS की जो डिग्री है उसकी मैंने जो है वो स्कैन कॉपी जो है वो मैंने इसके अंदर रखी हुई है। उसके बाद मेरे पास एक और लेटर ऑफ अप्रिसिएशन है जो मिला था, वो भी मैंने उसकी कॉपी भी यहाँ पे रखी हुई है। आपके पास जो भी मटेरियल ऐसा होगा वो आपने उसकी कॉपियाँ एक फोल्डर के अंदर आपने अरेंज करके रख लेनी है और उनको नेम भी वही रख लेना है ताकि आपको फीडिंग में कोई भी परेशानी ना हो। अब चलते हैं कि जो है वेबसाइट के ऊपर काम कैसे करना है। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और मैं दोबारा जो है वो मैं यहाँ से आ जाता हूँ स्क्रीन पे। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, आपने कहा होगा कि ये पता नहीं कौन सी खच मारी हुई है ब्राउजर के अंदर। अब ये देख सकते हैं कि मैंने कितने URL जो है वो ओपन किए हुए हैं। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया हुआ है यही मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने हर जो फील्ड है फीड करना है, मैंने उसको सेपरेट जो है वो उसको मैंने URL को सेपरेट ओपन कर लिया है ताकि मुझे बार बार बैक और बैक टू प्रोफाइल ना जाना पड़े। वो बैक और बैक टू जब प्रोफाइल जाते हैं तो होता क्या है, वो आपको एरर दे देता है जी। इसलिए मैं क्या करूंगा, हर टाइम में डाटा फीड कर दूंगा, बात वही है, चाहे सेपरेट फीड कर लो या बैक टू प्रोफाइल जाके से जो है वो फीड कर लो। तो देखें मैंने ये सारा ओपन किया, ये मेडिकल हिस्ट्री का टैब है, इसमें मेडिकल हिस्ट्री है। उसके बाद यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन का है, उसके बाद ये है, ये ट्रेनिंग की फरिस्त है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अदर ट्रेनिंग है। इसी तरह ये सारे मैंने टैब जो है वो सेपरेट सेपरेट मैंने इनको ओपन करके रखा हुआ है। अब मैं जाता हूँ स्टार्ट में हमारी जो इंस्ट्रक्शंस है। सबसे पहला जो हमने डाटा फीड करना है वो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है, दैट इज वेरी सिंपल टू फीड। वो आप सिंपल आपको पता है वो आपने फीड कर लेनी, और पिछली वीडियो में भी वो मैंने बता दी थी कैसे फीड करनी है। अब बात आती है कि मेडिकल जो हिस्ट्री है उसको हमने कैसे फीड करना है, तो उसके लिए मैं ऑफिशियल जो इंस्ट्रक्शंस हैं मैंने वो ओपन की हुई है और ये नंबर 5 पे है। अब मैं एक दफा रीड करके बता देता हूँ और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसको हमने कैसे फीड करना है। यहाँ पे है कि मेडिकल हिस्ट्री की तफसील लिखने के लिए मेडिकल कैटेगरी का बटन दबाएं और फिर एड का बटन दबाएं। ये पिछली वीडियो में बात हो चुकी थी। फिर प्रीवियस हिस्ट्री में वो बीमारी लिखें जो आपको सर्विस में आने से पहले थी, और अगर नहीं थी तो नील लिखें। ये तो अंडरस्टूड है कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, और यकीनन किसी को कोई बीमारी नहीं होगी क्योंकि ये मेडिकल हमारे जो है वो ऑलरेडी हमारे बने हुए हैं। उसके बाद डिजीज इफ एनी, अगर कोई बीमारी आपको है मसलन शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह, तो लास्ट एग्जाम में आपका अपना आखिरी तबी मुआयना कब करवाया था उसकी तारीख लिखें। ओके अब मैं चला जाता हूँ हमारे मेडिकल वाले पोर्शन में। यहाँ पे हमने यहाँ से इसको ऐड करना है। जैसे हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास जो डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें हमने डाटा फीड करना है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहले फील्ड में हमने जो फीड करना है वो है प्रीवियस हिस्ट्री। इंस्ट्रक्शंस को हमने देखना है। इंस्ट्रक्शन में ये कहा था कि आपने प्रीवियस हिस्ट्री में अगर कोई बीमारी नहीं है तो नील लिखना है। तो मैं यहाँ से इसको नील लिख देता हूं।
उसके बाद सैकड़ आ जाता है बीमारी अगर कोई है। अगर आपको कोई बीमारी है तो यहाँ पे लिख दें। मैंने जो मेडिकल बनवाया था जॉब में आने से पहले, तो वो मेरे सामने पड़ा हुआ है, आपने भी अपने सामने रख लेना है। और उसकी जो मैं हिस्ट्री जब पढ़ता हूँ, मैंने उसको जब रीड किया है, तो उसमें भी ऑप्शन नील लिखा हुआ है कि कोई डिजीज वगैरह नहीं है, और उसकी डेट मेंशन है, तो वो मैं डेट लिख देता हूँ 21/07 और ये है 2007। तो ये आ गई यहाँ पे डेट। ये डेट डालने के बाद आप जब इसको साइड पे क्लिक करेंगे तो दोनों आपके जो पोर्शन है उनको ग्रीन चेक लग चुका है। इसका मतलब है कि ये डाटा सेव हो सकता है, तो मैं यहाँ से इसको सेव करूंगा और कुछ टाइम लेगा सेविंग के लिए, और सेव जब हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। ओके जी, डाटा सेव हो चुका है और डाटा यहाँ पे आप उसकी जो है वो डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मुझे यहाँ से बैक टू प्रोफाइल नहीं जाना, मैं बार बार प्रोफाइल पे जाऊं और बार बार हर टाइम में जाऊं तो मैंने ये कुछ काम नहीं करना। मेरा डाटा यहाँ पे सेव हो चुका है, मैंने इसको चुप करके यहाँ से क्रॉस कर देना है। तो ये मेरा एक फील्ड जो है वो पहला फील्ड हो चुका है। तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो गई है, अब मैं बाकी जो स्टेप्स हैं वो मैं दूसरी उसका दूसरा पार्ट बनाता हूँ। उस वीडियो को आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने एसेट्स जो हैं और बाकी जितने जितने आपके फील्ड आ रहे हैं उनको मैं किस तरह फीड कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये जो ट्रेनिंग है वो आपको फायदेमंद होगी। दोस्तों आपने फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नॉन ऑफिशियल आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, इट्स बेस्ड ऑन माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन बाई HRMS। सो कीप वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नई वीडियो में।